नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गर्मी के दिन आ चुकी है और हमारा घर का पावर कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बिजली बिल भी आपका ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि नॉर्मली जो है गर्मी के दिन में हम लोग ज़्यादातर पावर का यूज़ करते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता है। तो अगर आप अपना पावर कंजप्शन को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है सोलर वोल्टिक सेल, यानी सोलर पैनल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सोलर पैनल यूज करने जब हम लोग यूज कर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आती है कि मैं कितने वाट का सोलर पैनल लगाया जाए ताकि मेरे घर का सारे अप्लायंसेस जो है इजली वे में हैंडल हो सके, ठीक है। तो उसके क्या करें फिर, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको आज समझाने वाला हूँ कि आप अपने घर का लोड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और कितने वाट का सोलर पैनल आपको ज़रूरत पड़ेगा अपने घर में इंस्टॉल करने के लिए, ताकि सारे पावर, सारे जितने भी अप्लायंसेस आपकी हैं वो आसानी से चल सके। तो चलिए, लेट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए, अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट चार्ट बना रखा है पहले से, ठीक है। और ये चार्ट जो है वो लोड कैलकुलेशन का चार्ट है। इसमें आप जो है अपने भी घर का जितने भी लोड हैं वो पुट कर सकते हैं और अपना भी लोड निकाल सकते हैं। तो पहला फार्मूला के अकॉर्डिंग, विधि वन के अकॉर्डिंग, आप देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है, नाम है, पावर पावर है, पावर वो भी वॉट में होगा, ठीक है। कितने आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसका क्वांटिटी है, यहाँ पे पावर कितना कंजप्शन कर रहे हैं आप, यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं बल्ब। ये मैंने 8 वाट का बल्ब लिया है, जो कि एलईडी बल्ब होता है। वो कितने पीस यूज़ कर रहा हूँ, 4 पीस। टोटल कितने होंगे, 32, 32 वाट हो गए, ठीक है। तो पंखा कितना वाट का होता है, हमारे यहाँ जो है 36 वाट का लगा हुआ है। दो पीस यूज़ कर रहा हूँ तो 72 वाट, लैपटॉप 40, एक पीस 40 वाट, रेफ्रिजरेटर 250, एक पीस 250, 250 वाट। रेफ्रिजरेटर का पावर ऊपर नीचे हो सकता है। तो टोटल पावर कितने हो गए हमारे, 394 वाट। यानी कि ये इससे आपको ये पता चल गया कि 394 वाट जो है आप यूज़ करते हैं 1 घंटा में, ठीक है। मतलब 394 394 वाट 1 घंटा में आप यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आपको सोलर पैनल जो लेना है वो मिनिमम जो वाटेज होगा उसका होगा 394 वाट। यानी कि सोलर पैनल आपको लेना है 394 वाट का आपको लेना है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जो है इस तरह के 394 वाट का तो सोलर पैनल अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सोलर पैनल जैसे पैनल जो बनकर आते हैं, ठीक है, तो वो फिक्स वोल्टेज के होते हैं। जनरली 150 वाट, 180 वाट, 180 वाट के होते हैं, 250 वाट के होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो आप जो भी चाहें सोलर पैनल उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 500 वाट का लिया है। 500 वाट का क्यों लिया है, तो क्योंकि तो 394 वाट जो है वो तो किसी भी पैनल फिट बैठने से रहा, ठीक है। तो 500 वाट, क्योंकि जानते हैं कि सोलर पैनल जो हम लोग यूज करेंगे तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा उसका वो कम ही रहता है। मतलब वो जो सोलर पैनल जो है, अगर आपको बोला जा रहा है कि 150 वाट का है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सोलर पैनल आपको 150 वाट ही दे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, पहले से 500 200 वाट को और 100 वाट को लगभग लगभग 100 वाट बढ़ा कर रखा है, ताकि मुझे जो पावर चाहिए वो मिल जाए। तो मैंने 500 वाट का लिया है, ठीक है, 500 वाट का। अब डिपेंड कर, 500 वाट ले लिया, अब कितने पीस हम लोग को चाहिए, ठीक है, सोलर वाट सोलर पैनल कितने पीस का चाहिए। तो 500 वाट मैं चाह रहा हूँ कि मैं 180 वाट का लूँ सोलर पैनल, ठीक है। तो जब 180 वाट का लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें जो है 500 वाट को 180 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.7, 2.7 आएगा, ठीक है। तो 2.7 क्या है, ये क्वांटिटी है कि 2.7 पीस आपको लगाना है सोलर पैनल,
500 वाट जनरेट करने के लिए, तो 2.7 यानी कितना तो आएगा नहीं, तो हम लोग जो है अप्रोक्स 3 सोलर पैनल ले लिए। ठीक है, यानी कि मुझे कितना ज़रूरत पड़ेगा, 3 सोलर पैनल ज़रूरत पड़ेगा 500 वाट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला, ये आपने समझ लिया। इन ये जो यहाँ पर जो मैंने दिखा रहा हूँ पावर वाट, ठीक है, इस बल्ब, तो बल्ब की जगह पे आप कुछ भी यूज करते हो वो आप यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। 8 वाट यूज करते हैं, 8 वाट यूज करिए, 12 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 100 वाट जो भी यूज करते हैं वो यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, संख्या में कितने क्वांटिटी यूज करते हैं वो, और इसके दोनों का गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग सारे को ये आप जो है ऐड कर दीजिए, जितने भी लोड जो फाइनली आउटपुट आते हैं उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका टोटल रिजल्ट निकल जाता है, जिससे आप जान सकते हैं कि आप इतना लोड यूज करते हैं एक घंटा में। ठीक है, तो हम लोग जितना एक घंटा में आप यूज करते हैं तो उतना का ही ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को सोलर पैनल का। ठीक है, अब आते हैं, अगर ये फार्मूला भी आप पे फिट नहीं बैठता या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा फार्मूला भी है, तो मैं दूसरा फार्मूला भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, जनरली आप जो है हर मंथ जो है बिजली बिल पे करते हैं तो आपका यूनिट भी आता होगा कि कितना यूनिट आपने इस मंथ यूज किया है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका इस मंथ का जो है बिजली बिल जो है आया है 294 वाट। ठीक, 294 वाट एक महीना का बिजली बिल का खपत होता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 294 को डिवाइड करना पड़ेगा 30 से। ठीक है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 यूनिट आएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में हम लोग यूज करते हैं 9.8 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन में यूज किया ना, तो फिर एक घंटा में कितना यूज करेंगे, तो एक घंटा में निकालने के लिए हम लोग को 9.8 को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, यानी कि एक घंटा में 24 एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है, इसलिए हम लोग उसको डिवाइड करेंगे एक दिन में निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया हुआ आउटपुट आया मेरा 408 यूनिट। देखिए, ये लगभग आप यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया था 394 और 408 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 10-15 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं ये कितना आया 400.408 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट में ये इसे में मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर में। ठीक है, तो एक यूनिट में कितना वाट पावर होता है, तो 1000 वाट होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो पावर आया वो आया 408 वाट हम लोग यूज़ करते हैं एक दिन में। प्रीवियस में हमारा आया था कितना, ये 394, तो डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हुआ होगा इसीलिए रिजल्ट भी थोड़ा ऊपर नीचे आया है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो 408 वाट आया, तो यानी कि इसमें भी फिक्स है कि हमें जो है 500 वाट का सोलर पैनल लेना है। ठीक है, कितने पीस लेंगे, अगर 180 का लेना चाहें तो हमें 3 पीस लेना पड़ेगा, और 150 का लेना चाहिए तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 500 को आप 150 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो है आप अप्रोक्स वैल्यू लेकर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब इतना करने के बाद फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा कि आप कितने जो है इन्वर्टर का यूज करेंगे, कितने वाट का इन्वर्टर का यूज करेंगे, तो कितने वाट का इन्वर्टर यूज करना है हम लोगों को। तो इन्वर्टर यूज खरीदने से पहले हम लोग ये सोचना होता है कि आज का रिक्वायरमेंट, यानी कि अभी का रिक्वायरमेंट आपका जो है वो 500 वाट है। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में जाने के बाद आपका पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाए, तो इसके पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर जो भी लेंगे वो ज़्यादा का लेंगे, 500 वाट का है तो कोशिश करेंगे हम लोग जो है सोलर इन्वर्टर जो है हम लोग लेंगे 1000 वाट का।
ताकि आपको फ्यूचर में जाने के बाद आज 500 है कल 1 किलोवाट का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा क्या, तो सोलर पैनल परचेज़ करना पड़ेगा और उसे फिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन्वर्टर तो जैसा का तैसा रहेगा, इसलिए आप जो है क्या करें कि 1000 वाट का इन्वर्टर ले लें ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को इंस्टॉलेशन करने में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहूँ। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने बताने वाला हूँ कि आप जो है सोलर पैनल खरीद रहे हैं तो किस टाइप का सोलर पैनल खरीदें, सोलर पैनल कितने टाइप के होते हैं, इन्वर्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको ऑन ग्रिड लगाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड आपको लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगाने में क्या क्या चीज़ों को रिक्वायरमेंट है, ऑफ ग्रिड में क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, वो जल्दी से जल्दी आपके पास मैं पहुँचाने का कोशिश करूँगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।